हेलो बच्चियों, इस एपीसोड विच तुसी बहुपदियां नू पूरन घन बना के गुणनखंडीकरण अते इसकी वरतों बारे सीखोगे। आओ शुरू कर दें। हाँ, पूरन घन बना के गुणनखंडीकरण करना, जदों एक दिता होया व्यंजक एहो जिहा व्यंजक होवे जिहड़ा कि पूर्ण घन के रूप में लिखा जा सके, तां हेठ लिखे सूत्रां की वरतों करके व्यंजकां दे पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं। पहला सूत्र, ए जमा बी सारे का घन बराबर ए का घन जमा तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग जमा बी का घन। इसनों इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए बराबर ए का घन जमा बी का घन जमा तीन गुणा ए गुणा बी गुणा ए जमा बी। अते दूसरा सूत्र, ए माइनस बी सारे का घन बराबर ए का घन माइनस तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग माइनस बी का घन। इसनों इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए बराबर ए का घन माइनस बी का घन माइनस तीन गुणा ए गुणा बी गुणा ए माइनस बी। आओ हेठ लिखिया उदाहरणा राही इस विधि नूं समझते हाँ। दिते उदाहरण लई हेठ लिखे व्यंजक की गुणनखंड बनाओ। दिता व्यंजक, सताई गुणा एक्स का घन जमा चुरंजा गुणा एक्स का वर्ग गुणा वाई जमा छत्ती गुणा एक्स गुणा वाई का वर्ग जमा अठ गुणा वाई का घन। आओ हुण इसका हल करते हाँ। पहला, दिता व्यंजक सताई गुणा एक्स का घन जमा चुरंजा गुणा एक्स का वर्ग गुणा वाई जमा छत्ती गुणा एक्स गुणा वाई का वर्ग जमा अठ गुणा वाई का घन है। हुण इसनों इस तरह लिखा जा सकता है, ए बराबर तीन एक्स का घन जमा तीन गुणा एक्स का वर्ग गुणा दो वाई जमा तीन एक्स गुणा दो गुणा वाई का वर्ग जमा दो गुणा वाई का घन। क्योंकि सताई गुणा एक्स के घन नूं असी तीन एक्स का घन और अठ गुणा वाई के घन नूं दो वाई का घन लिख सकते हाँ। हुण इत्थे ए का घन जमा तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग जमा बी का घन बराबर ए जमा बी सारे के घन की वरतों करते, इतने ए बराबर तीन एक्स और बी बराबर दो वाई है, तो ए बराबर आएगा तीन एक्स जमा दो वाई सारे के घन दे भाव ए बराबर तीन एक्स जमा दो वाई गुणा तीन एक्स जमा दो वाई गुणा तीन एक्स जमा दो वाई दे। इसलिए सताई गुणा एक्स का घन जमा चुरंजा गुणा एक्स का वर्ग गुणा वाई जमा छत्ती गुणा एक्स गुणा वाई का वर्ग जमा अठ गुणा वाई का घन ए बराबर तीन एक्स जमा दो वाई गुणा तीन एक्स जमा दो वाई गुणा तीन एक्स जमा दो वाई है। आओ हुण एक होर उदाहरण वेखते हाँ। हेठ लिखे व्यंजक के गुणनखंड बनाओ। दिता व्यंजक, अठ गुणा पी का घन माइनस सठ गुणा पी का वर्ग जमा एक सौ पंजा पी माइनस एक सौ पच्ची। आओ इसका हल वेखते हाँ। दिता व्यंजक अठ गुणा पी का घन माइनस सठ गुणा पी का वर्ग जमा एक सौ पंजा गुणा पी माइनस एक सौ पच्ची है। इसनों इस तरह लिखा जा सकता है, दो पी का घन माइनस तीन गुणा दो पी का वर्ग गुणा पंच जमा तीन गुणा दो पी गुणा पंच का वर्ग माइनस पंच का घन। क्योंकि असी अठ गुणा पी का घन बराबर दो पी का घन अते एक सौ पच्ची नूं बराबर पंच दे घन दे लिख सकते हाँ, तो इतने ए का घन माइनस तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग माइनस बी का घन बराबर ए माइनस बी सारे के घन की वरतों करते, इतने ए बराबर दो पी और बी बराबर पांच है, तो ए बराबर आएगा दो पी माइनस पांच सारे का घन भाव बराबर दो पी माइनस पांच गुणा दो पी माइनस पांच गुणा दो पी माइनस पांच दे। इसलिए अठ गुणा पी का घन माइनस सठ गुणा पी का वर्ग जमा एक सौ पंजा गुणा पी माइनस एक सौ पच्ची बराबर है दो पी माइनस पांच गुणा दो पी माइनस पांच गुणा दो पी माइनस पांच दे, जो कि असी पता करना सी। हुण तक तुसी बहुपदियां नूं पूर्ण घन बना के गुणनखंडीकरण अते इसकी वरतों बारे सीख्या है। आओ हुण इस ते आधारित कुछ उदाहरणां नूं हल करिए। आओ हुण अगला उदाहरण वेखिए।
हेठ लिखे व्यंजकां दे गुणनखंड बनाओ। दिता व्यंजक ए दा कन जमा 8 गुना बी दा कन जमा 6 गुना ए दा वर्ग गुना बी जमा 12 गुना ए गुना बी दा वर्ग अते दूसरा व्यंजक 8 गुना पी दा कन माइनस 27 गुना क्यू दा कन माइनस 36 गुना पी दा वर्ग गुना क्यू जमा 54 गुना पी गुना क्यू दा वर्ग है। हल इथे पहले भाग लई दिता व्यंजक ए दा कन जमा 8 गुना बी दा कन जमा 6 गुना ए दा वर्ग गुना बी जमा 12 गुना ए गुना बी दा वर्ग है। इस नू इंच लिख सकते हैं ए बराबर ए दा कन जमा 2 बी दा कन जमा 6 गुना ए दा वर्ग गुना बी जमा 12 गुना ए गुना बी दा वर्ग, क्योंकि असी ए दे कन नू ए दा कन अते 8 गुना बी दे कन नू 2 गुना बी दा कन वजों लिख सकते हां। हुन अगा ए इंच लिखया जावेगा ए बराबर ए दा कन जमा 2 बी दा कन जमा 3 गुना ए दा वर्ग गुना 2 बी जमा 3 गुना ए गुना 4 गुना बी दा वर्ग, क्योंकि असी जानते हां कि 6 गुना ए दा वर्ग बी नूं इंच लिख सकते हां ए बराबर 3 गुना 2 गुना ए दा वर्ग गुना बी अगा ए इंच लिखा जावेगा ए बराबर 3 गुना ए दा वर्ग गुना 2 बी अते इसी तरह असी 12 गुना ए गुना बी दे वर्ग नूं इंच लिख सकते हां ए बराबर 3 गुना 4 गुना ए गुना बी दा वर्ग भाव ए बराबर 3 गुना ए गुना 4 बी दा वर्ग, तां ए अगां बराबर ए दा कन जमा 2 बी दा कन जमा 3 गुना ए दा वर्ग गुना 2 बी जमा 3 गुना ए गुना 2 बी दा वर्ग, क्योंकि असी इथे 4 गुना बी दे वर्ग नूं 2 बी दा वर्ग लिख सकते हां। हुण बीजगणितिक तत्समक ए दा कन जमा बी दा कन जमा 3 गुना ए दा वर्ग गुना बी जमा 3 गुना ए गुना बी दा वर्ग बराबर ए जमा बी सारे दे कन दे, इस दी वर्तों कर दिया। पाव इस तत्समक दे खब्बे पासे दी तुलना असी दिते व्यंजक नाल करन ते इथे वेखते हां। इथे ए ए दे बराबर अते बी तो बी दे बराबर है। इथे ए बराबर ए अते बी बराबर तो बी है, तां ए अगां बराबर ए जमा तो बी सारे दा कन, जो कि असी एथे तत्समक दे सज्जे पासे दे अनुसार प्राप्त करांगे, तां इसलिए एथे असी कह सकते हां दिता व्यंजक ए दा कन जमा 8 गुना बी दा कन जमा 6 गुना ए दा वर्ग गुना बी जमा 12 गुना ए गुना बी दा वर्ग ए बराबर है ए जमा 2 बी सारे दे कन दे, ए अगां बराबर ए जमा 2 बी
गुना ए जमा दो बी गुना ए जमा दो बी दे, क्योंकि असी घन नू तीन बार गुणा दे रूप में लिखते हाँ तो इतने दिते व्यंजक लई भाव ए दा घन जमा अठ गुना बी दा घन जमा छे गुणा ए दा वर्ग गुना बी जमा बारह गुणा ए गुना बी दा वर्ग इसते गुणनखंडा दे गुणनफल रूप में इंज लिखते हाँ ए बराबर ए जमा दो बी गुणा ए जमा दो बी गुणा ए जमा दो बी दे। हुण इत्थे उदाहरण के दूसरे भाग लई सानू दित्ता व्यंजक अठ गुणा पी का घन माइनस सताई गुणा क्यू का घन माइनस छत्ती गुणा पी का वर्ग गुणा क्यू जमा चुरंजा गुणा पी गुणा क्यू का वर्ग इसनू इंच लिखांगे ए बराबर दो पी का घन माइनस तीन क्यू का घन माइनस छत्ती गुणा पी का वर्ग गुणा क्यू जमा चुरंजा गुणा पी गुणा क्यू का वर्ग, क्योंकि असी अठ गुणा पी का घन बराबर दो पी का घन वजों लिख सकते हाँ अते सताई गुणा क्यू दे घन नूं तीन क्यू दे घन वजों लिख सकते हाँ। हुण ए अगा बराबर इंच लिखा जाएगा ए बराबर दो पी का घन माइनस तीन क्यू का घन माइनस तीन गुणा चार गुणा पी का वर्ग गुणा तीन क्यू जमा तीन गुणा दो पी गुणा नौ गुणा क्यू दे वर्ग दे, क्योंकि असी छत्ती गुणा पी का वर्ग गुणा क्यू नू इंच लिख सकते हाँ ए बराबर तीन गुणा चार गुणा तीन गुणा पी का वर्ग गुणा क्यू बराबर तीन गुणा चार गुणा पी का वर्ग गुणा तीन क्यू दे अते चुरंजा गुणा पी गुणा क्यू दे वर्ग नू इंच लिख सकते हाँ ए बराबर तीन गुणा दो गुणा नौ गुणा पी गुणा क्यू का वर्ग अगा बराबर तीन गुणा दो पी गुणा नौ क्यू दे वर्ग दे अगा बराबर है दो पी का घन माइनस तीन क्यू का घन माइनस तीन गुणा दो पी का वर्ग गुणा तीन क्यू जमा तीन गुणा दो पी गुणा तीन क्यू का वर्ग, क्योंकि असी चार गुणा पी दे वर्ग नू दो पी का वर्ग अते नौ क्यू दे वर्ग नू तीन क्यू का वर्ग लिख सकते हाँ। हुण ए अगा बराबर होवेगा दो पी का घन माइनस तीन क्यू का घन माइनस तीन गुणा दो पी का वर्ग गुणा तीन क्यू जमा तीन गुणा दो पी गुणा तीन क्यू का वर्ग। हुण बीज गणितिक तत्समक ए का घन माइनस बी का घन माइनस तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग बराबर ए माइनस बी का घन इसकी वरतों करते हैं। भाव इस तत्समक के खब्बे पासे की तुलना असी दिते व्यंजक नाल करते हाँ तो इतने असी वेखांगे इतने ए बराबर दो पी अते बी बराबर तीन क्यू है तो इतने ए बराबर दो पी अते बी बराबर तीन क्यू है।
ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇਗਾ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਤਸਮਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕ 8 ਗੁਣਾ ਪੀ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 27 ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 36 ਗੁਣਾ ਪੀ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 54 ਗੁਣਾ ਪੀ ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਸਾਰੇ ਦਾ ਘਨ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਗੁਣਾ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਗੁਣਾ 2p ਮਾਈਨਸ 3q, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਨ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਅੰਜਕ 8 ਗੁਣਾ ਪੀ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 27 ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 36 ਗੁਣਾ ਪੀ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 54 ਗੁਣਾ ਪੀ ਗੁਣਾ ਕਿਊ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਗੁਣਾ 2p ਮਾਈਨਸ 3q ਗੁਣਾ 2p ਮਾਈਨਸ 3q, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਅੰਜਕ 8 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦਾ ਵਰਗ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਜਕ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਗੁਣਾ ਐਮ ਗੁਣਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 64। ਹੱਲ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅੰਜਕ 8 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦਾ ਵਰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ 2x ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦਾ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ 2x ਦਾ ਘਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦਾ ਘਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 2x ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ y ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ y ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2x ਗੁਣਾ y ਦਾ ਵਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਅਗਾਂ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਅਤੇ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਤਤਸਮਕ ਏ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਏ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਏ ਗੁਣਾ ਬੀ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਤਸਮਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਵਿਅੰਜਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਏ ਬਰਾਬਰ 2x ਅਤੇ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ a ਬਰਾਬਰ 2x ਅਤੇ b ਬਰਾਬਰ y ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ a ਬਰਾਬਰ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ y ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਤਸਮਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕ 8 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਘਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਗੁਣਾ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਗੁਣਾ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਨ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਰੂਪ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਅੰਜਕ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਐਮ ਗੁਣਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 64 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਐਮ ਗੁਣਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 12 ਐਮ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 64 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਦ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 48 ਗੁਣਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 64 ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਇੰਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 48 ਗੁਣਾ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਘਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮ ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਅਤੇ 64 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਘਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 12 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 48 ਗੁਣਾ ਐਮ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਐਮ ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਐਮ ਗੁਣਾ 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ ਐਮ ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ 4 ਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ ਐਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 48 ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 16 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ ਐਮ ਗੁਣਾ 16 ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ ਐਮ ਗੁਣਾ 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 4 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਤੱਤ ਸਮਕ A ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ A ਦਾ ਵਰਗ ਗੁਣਾ B ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ A ਗੁਣਾ B ਦਾ ਵਰਗ ਇਹ ਬਰਾਬਰ A ਮਾਈਨਸ B ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਇਸ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਤੱਤ ਸਮਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ
इत्थे असी वेखते हाँ इत्थे a बराबर m अते b बराबर 4 है, इत्थे a बराबर m अते b बराबर 4 है, ए अगा बराबर होवेगा m माइनस 4 सारे ते कांदे, जो कि असी इस बीजगणितिक तत्समक ते सज्जे पासे अनुसार प्राप्त कर दे हां। इसलिए दित्ते उदाहरण लिए असी कह सकते हां m दा घन माइनस 12m गुणा m माइनस 4 माइनस 64 ए बराबर है m माइनस 4 सारे दे कण दे, ए अगा बराबर m माइनस 4 गुणा m माइनस 4 गुणा m माइनस 4 दे, क्योंकि असी कण नु 3 बार गुणा दे रूप विच लिख सकते हां। जो कि इस ते गुणनखंडां दा गुणनफल रूप है, जो कि असी पता करना सी। हुण तक तुसी बहुपदियां नूं पूर्णखंड बना के गुणनखंडीकरण अते इस दी वरतों ते आधारित कुछ उदाहरणां नूं हल कीता है। आओ हुण इस ते आधारित कुछ होर उदाहरणां नूं हल करिए। आओ हुण अगला उदाहरण वेखीए। x दा कर्ण गुणा y दा कर्ण माइनस 3 गुणा x दा वर्ग गुणा z गुणा y दा वर्ग जमा 3 गुणा x गुणा z दा वर्ग गुणा y माइनस z दा कर्ण ते गुणनखंड बनाओ। हल, इत्थे सानू दित्ता व्यंजक x दा कर्ण गुणा y दा कर्ण माइनस 3 गुणा x दा वर्ग गुणा z गुणा y दा वर्ग जमा 3 गुणा x गुणा z दा वर्ग गुणा y माइनस z दा कण है। इस नूं इंच लिख सकती हां, ए बराबर x गुणा y सारे दा कण माइनस 3 गुणा x दा वर्ग गुणा z गुणा y दा वर्ग जमा 3 गुणा x गुणा z दा वर्ग गुणा y माइनस z दा कण, क्योंकि असी x दा कण गुणा y दा कण इस नू इंच लिख सकते हां, ए बराबर x गुना y सारे दा कण अते z दा कण बराबर z दे कण दे। हुण अगा इस नू इंच लिखांगे, ए बराबर x गुना y दा कण माइनस z दा कण माइनस 3 गुना x दा वर्ग गुना y दा वर्ग गुणा z जमा 3 गुणा x गुणा y गुणा z दा वर्ग, अगा a बराबर x गुणा y दा कण माइनस z दा कण माइनस 3 गुणा x दा वर्ग गुणा y दा वर्ग गुणा z जमा 3 गुणा x गुणा y गुणा z दा वर्ग, क्योंकि असी 3 गुणा x दा वर्ग गुणा y दा वर्ग गुणा z नूं इंच लिख सकते हां, ए बराबर 3 गुणा x दा वर्ग गुणा y दा वर्ग गुणा z अते 3 गुणा x गुणा y गुणा z दा वर्ग इस नूं इंच लिख सकते हां, ए बराबर 3 गुणा x गुणा y गुणा z दे वर्ग दे, अगा ए बराबर x गुणा y दा कण माइनस z दा कण माइनस 3 गुणा x गुणा y दा वर्ग गुणा z जमा 3 गुणा x गुणा y गुणा z दा वर्ग, क्योंकि असी इथे x दा वर्ग गुणा y दा वर्ग
इस नूं इंच लिख सकते हाँ, ए बराबर एक्स गुणा वाई का वर्ग अते जेड का वर्ग बराबर जेड के वर्ग के हुण बीजगणितक तत्समक ए का कर्ण माइनस बी का कर्ण माइनस तीन गुणा ए का वर्ग गुणा बी जमा तीन गुणा ए गुणा बी का वर्ग ए बराबर ए माइनस बी सारे का कर्ण इस दी वरतों करते हैं। भाव इथे असी व्यंजक की तुलना इस तत्समक के खब्बे पासे नाल करते हाँ तो असी इथे वेखांगे इथे ए बराबर एक्स गुणा वाई अते बी बराबर जेड है। इथे ए बराबर एक्स गुणा वाई अते बी बराबर जेड है तो यह अगा बराबर होगा एक्स गुणा वाई माइनस जेड सारे दे कण दे जो कि असी बीज गणितिक तत्समक के सज्जे पासे अनुसार प्राप्त करते हाँ क्योंकि इतने ए बराबर एक्स गुणा वाई अते बी बराबर जेड है तो ए माइनस बी सारे का कण की थान असी इतने एक्स गुणा वाई माइनस जेड सारे का कण लवेंगे। इसलिए दित्ते व्यंजक लिए असी एक्स का कण गुणा वाई का कण माइनस तीन गुणा एक्स का वर्ग गुणा जेड गुणा वाई का वर्ग जमा तीन गुणा एक्स गुणा जेड का वर्ग गुणा वाई माइनस जेड का कण इस नूं इंच लिखांगे ए बराबर एक्स गुणा वाई माइनस जेड का कण तो यह अगा बराबर एक्स गुणा वाई माइनस जेड गुणा एक्स गुणा वाई माइनस जेड गुणा एक्स गुणा वाई माइनस जेड क्योंकि असी कण नूं तीन बार गुणा के रूप में इंच लिख सकते हाँ। तो इतने एक्स का कण गुणा वाई का कण माइनस तीन गुणा एक्स का वर्ग गुणा जेड गुणा वाई का वर्ग जमा तीन गुणा एक्स गुणा जेड का वर्ग गुणा वाई माइनस जेड के कण नूं असी इंच लिखांगे ए बराबर एक्स गुणा वाई माइनस जेड गुणा एक्स गुणा वाई माइनस जेड गुणा एक्स गुणा वाई माइनस जेड दे जो कि इसके गुणनखंडा का गुणनफल रूप है जो कि असी पता करना सी। इस एपीसोड विच तुसी बहुपदियां नूं पूरन कण बना के गुणनखंडीकरण अते इस दी वरतों बारे सिख्या है। उम्मीद करदा हाँ तुहानूं एपीसोड पूरी तरह समझ आ गया होवेगा।